हेलो केट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज सिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर फोर मल्टीप्लिकेशन सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक वर्ड प्रॉब्लम्स सो बच्चों आज हम वर्ड प्रॉब्लम लेंगे एक्सरसाइज सिक्स चैप्टर नंबर फोर के मल्टीप्लिकेशन से तो वर्ड प्रॉब्लम ये होती हैं इनको स्टोरी प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं हम तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम दी जाती है उसे हमें सॉल्व करना होता है और मल्टीप्लिकेशन में तो आप जानते ही हैं मल्टीप्लिकेशन एक तरह का रिपीटेड एडिशन होता है जैसे यहाँ पर एक हम छोटा सा एग्जाम्पल समझ लें टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू अब आप यहाँ देख रहे हैं फोर टाइम्स टू है यानी रिपीटेड एडिशन है सेम नंबर का तो बजाय इसके कि हम इसे टू प्लस टू फोर फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस टू एट करें इससे अच्छा हमें क्या करना होता है जो नंबर यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है उसे लिखते हैं और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं कितनी बार हो रहा है फोर टाइम तो टू फोर जा एट और जब हम इन सबको भी ऐड करते हैं तब भी एट आता है आंसर सेम आता है ओके सो मल्टीप्लीकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन सो चलिए अब हम पहले प्रॉब्लम देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम देयर आर सेवन बॉल्स इन अ बैग एक बैग में सेवन बॉल्स हैं कितनी बॉल्स हैं बच्चों सेवन बाल्स एक बैग के अंदर हाउ मनी हाउ मैनी मीन्स कितने बॉल्स आर देयर इन एलेवन सच बैग्स अब यहाँ पर दिखा गया है सच बैग्स इसका मतलब सच बैग्स मीन्स होता है जैसा ये बैग यहाँ पे बताया गया ना वैसा ही बैग यानी सेम बैग में सेम तरह के बैग में ऐसे ही इलेवन बैग्स में कितनी बॉल्स होंगी तो यहाँ हम देख रहे हैं वन बैग में कितनी बॉल्स हैं सेवन तो ये एक तरह से हमारा क्या है रिपीटेड एडिशन है तो यहाँ पे रफली मैं आपको इधर देखिए बता रही हूँ फर्स्ट वाले बैग में सेवन बॉल्स हैं फिर हम सेकेंड वाले बैग का देखेंगे उसमें सेवन बॉल फिर थर्ड बैग में इसके बजाय हम क्या करेंगे ये रिपीटेड एडिशन है मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे कितने बैग्स हैं इलेवन देखिए आप किसी भी नंबर को पहले लिख सकते हैं आंसर सेम आएगा थोड़ी सी हम कोटेशन लिख लेते हैं वन बैग इज़ इक्वल टू सेवन बॉल्स ओके सो ऐसे ही इलेवन बैग्स में कितनी बॉल होंगी कितनी बॉल्स होंगी सेवन मल्टीप्लाई इलेवन ओके तो अब हम इसे क्या करेंगे देखिए बच्चों हमें टेंस वंस ज़रूर लिखना होता है सो ओ मीन्स वंस टी मीन्स टेंस ओके इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है तो सबसे पहले बिग नंबर हम इलेवन लिख लेते हैं ये इलेवन लिख लिया और नेक्स्ट है सेवन अब हमें नीचे सेवन लिखना है सेवन क्या है वंस है तो वंस के नीचे आप सेवन लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे अब इसे आप मल्टीप्लाई करिए सेवन वनजा सेवन सेवन वनजा सेवन तो यहाँ पे क्या आया आंसर सेवेंटी सेवन तो आप क्या आंसर लिखेंगे अब आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे देर आर देयर आर सेवेंटी सेवन बॉल्स इन इलेवन बैग्स ओके नाउ इट इज सॉल्व कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हमको देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हमें क्या दिया हुआ है गरिमा हैज एट पैकेट्स ऑफ कलर्ड पेंसिल्स अब यहाँ पर एक गर्ल है गरिमा उसके पास एट पैकेट्स हैं किसके कलर्ड पेंसिल के यानी गरिमा के पास कलर्ड पेंसिल के एट पैकेट्स हैं ईच पैकेट हैज़ टेन पेंसिल हर एक पैकेट में टेन पेंसिल्स हैं हाउ मनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल तो यहाँ पे हमें क्या बताना है जो गरिमा के पास एट पैकेट्स हैं टोटल उसमें कितनी पेंसिल हैं अब हमें ये पता है कि वन पैकेट में टेन पेंसिल्स हैं तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं इट इज़ ऑल्सो रिपीटेड एडिशन सो ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे देखिए वन पैकेट कितनी पेंसिल्स हैं टेन पेंसिल्स बच्चों ये हम शॉर्ट शॉर्ट में कोटेशन लिख रहे हैं आगे चल के प्रॉब्लम सम्स में आपको प्रॉपर हम कोटेशन किस तरह लिखी जाती है वो लिखना सिखाएंगे ओके चलिए अब यहाँ पे क्या पूछा गया है अब एट पैकेट्स में हमें बतानी है तो वन पैकेट में टेन है और मल्टीप्लाई कर देंगे एट्स से ओके तो चलिए हम करते हैं पहले टेन्स वंस लिखेंगे और टेन को ऊपर लिखेंगे एट वंस के प्लेस पे आएगा मल्टीप्लाई करेंगे अब हम एट जीरो जीरो एट वन जट ओके अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे आंसर देयर आर एटी पेंसिल्स बच्चों हमेशा जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह आंसर आप दिया करिए ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर आर ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स इन अ क्लास एक क्लास में ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन फोर सच क्लासेस तो अभी मैंने आपको बताया सच क्लासेज मतलब ऐसे ही चार क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स होंगे तो ये देखिए यहाँ लिखा है ना फोर सच क्लासेस तो सबसे पहले वन क्लास में कितने हैं ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स और आपको फोर क्लासेस का बताना है आप क्या करेंगे ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई फोर ओके यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए ट्वेंटी टू यहाँ लिखेंगे फोर यहाँ फोर टू जा एट फोर टू जा एट तो ये क्या है एटी एट स्टूडेंट्स हैं ओके तो अब आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे देयर आर एटी एट स्टूडेंट्स इन फोर क्लासेस राइट कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर अ शर्ट हैज़ टेन बटन्स एक शर्ट है उसमें टेन बटन्स हैं ये देखिए बच्चों शर्ट इस तरीके से जो शर्ट होती है आप जो शर्ट पहनते हैं इस तरह से शर्ट होती है यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन बटन्स हैं ओके okay? टेन बटन्स हैं हाउ मेनी बटन्स विल बी देयर इन सेवन सच शर्ट एक शर्ट में टेन बटन्स हैं तो इसी तरह की सेवन शर्ट में कितने बटन होंगे इट इज़ ऑल्सो अ रिपीटेड एडिशन क्योंकि आपको सेम सेम शर्ट के बटन काउंट करने पड़ेंगे इसके लिए आप यहाँ पहले लिखेंगे वन शर्ट में कितने बटन हैं पहले वो बताएंगे टेन बटन्स सो सेवन शर्ट्स के लिए क्या करेंगे टेन मल्टीप्लाई सेवन वो करिए टेन लिखिए सेवन वनस के नीचे सेवन जीरो जस ज़ीरो सेवन वन ज सेवन बटन्स very easy now write down answer answer there will be 70 buttons okay there will be 70 buttons so students i hope you all have understood exercise 6 word problem okay let's meet in the next video goodbye everyone